सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बना रहे हैं नींबू का पिकल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। नींबू, गार्लिक और अदरक, इसका मैं पिकल बनाने वाला हूँ। बहुत ही सही टाइम है पिकल बनाने का। दोनों नींबू और अदरक दोनों ही बहुत ज़्यादा आया हुआ है मार्केट में और बहुत अच्छी पैदावार हुई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है हमारा, मैंने कुछ नींबूओं को का रस नहीं निकाला है और इनको मैंने इतना छोटा काट लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक वगैरह डाले हैं, एक पूरा डल मैंने डाल दिया गार्लिक का। ये मैंने नींबू करीबन 1 किलो लिए हैं और ये कुछ नींबूओं का मैंने रस निकाल लिया है। बिल्कुल, इसका मैंने रस निकाल लिया और ये रस को मैंने जो है इसमें स्टोर कर लिया था कांच की बॉटल में। और ये मैंने अदरक जो है छील के रख लिया है धोने के लिए। अब इसको मैं बारीक बारीक काटूंगा। मैं आपको मसाले बता देता हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ली है। अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको धनिया भी दिखेगा, काली मिर्च भी दिखेगी, जीरा, सौंफ। मैं पूरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितना क्वांटिटी डलेगा ये। और इसमें मेथी दाना डला हुआ है, अजवाइन बहुत सारी डली है, सौंफ डली है, जीरा डला है। तो ये जो है मेरा अचार का मसाला हुआ। इसको मैंने हल्का सा हल्की सिम पे जो है सेक लिया था जिससे इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरक को जो है मैं अभी स्ट्रिप्स के फॉर्म में चॉप कर रहा हूँ। देखिए, चॉप करके ऐसा दिखेगा ये। मैंने अदरक चॉप हो गए, तो ऐसे करके मैं सबको चॉप कर लूंगा। अदरक मैंने कुछ एक मुट्ठी लिया है, जितना आपको लेना है अदरक उतना आप ले सकते हो टेस्ट के हिसाब से। तो ये हमारे नींबू जो है कट के तैयार हुए हैं। मैं आपको बताना भूल गया था, ये नींबू और अदरक जो है इनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से साफ कीजिए। तो अभी इसको मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगा क्योंकि मिक्स करना है। मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें अलग अलग मिक्स हैं, इसमें गार्लिक है और नींबू हैं और ये छल्ले वाले नींबू हैं। मैं इनको छल्ले वाले नींबू बोल देता हूँ, जो है छल्ले वाले नींबू। ओके, अब जो है मैं इसमें नींबू पानी डाल दूंगा। ये पूरा नींबू पानी जो है वो इन्हीं नींबू नींबू पानी बोल रहा हूँ, नींबू रस जो है वो इन्हीं नींबूओं का है। पूरा नींबू में सोख हो गए। अब गार्लिक का, सॉरी, जिंजर का ऐसा है कि जिंजर थोड़े थोड़े टाइम में उसमें रेड होने लगता है। शायद कुछ उसका तासीर ऐसी है या केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं कि गार्लिक जो है थोड़ी जिंजर जो है धीरे धीरे रेडिश होने लग जाता है। अब इसमें मैं डालूंगा खूब सारी हल्दी। तो ये ले ली मैंने हल्दी, थोड़ी और ले लेता हूँ। इसमें थोड़ी सी मिर्ची ले लेता हूँ, जिससे मिर्ची तो मैंने इसमें डाली नहीं थी, तो मिर्ची ले लेता हूँ। और इसमें जाएगा खूब सारा नमक। तो मैंने अभी तक 2 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच चिली डाल दी है। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ नमक, 2 छोटे चम्मच, सॉरी 2 नहीं 4 डालूंगा। नमक क्या है, नमक उसको गलने में जो नींबू है, नींबू का टेक्सचर जो है वो सॉल्यूबल, तो इजीली खाने में जो है वो आसानी हो जल्दी बना देता है। इसमें मैंने 2 ये 3 चम्मच तो हो गए, 4 चम्मच डाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक सूखे चम्मच से अच्छे से मिक्स करूँगा।
इसमें अभी ही नींबू की जो फ्रेश स्मेल है वो आना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि पूरा जो मसाला हमने डाला है, जो भी डाला है, पूरे में मिक्स हो जाए, वही हमारा मेन पर्पस है। अब हम जो है ये मसाला ले लेंगे, मसाला हमने जो प्रिपेयर किया था, और इस मसाले को भी हम पूरे में ऐसे स्प्रेड कर देंगे, पूरे में मैंने स्प्रेड कर दिया। अगेन मैं स्पून से इसको मिक्स कर लूंगा। ये मसालों का तो मैं मानता हूँ ऐसा होता है कि आप जो मसाला ज्यादा पसंद करते हैं वो आप ज्यादा डाल सकते हैं, वो स्वाद अनुसार जो बोला जाता है, सिर्फ नमक के केस में नहीं है, तो आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये नींबू जो है काफी पेट के लिए भी काफी मुफीद है, मतलब आप पेट में अगर कुछ तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप बिल्कुल ले लीजिए। आप दाल चावल के साथ खाइए तो भी मजा आएगा। ठीक है, ये हमारा मिक्स हो गया, हम अपने जार में डालेंगे। काफी दिनों से धूप निकल नहीं रही है, धूप निकले तो मतलब बेस्ट है चार के लिए। इसको डालूंगा, तो अब ये देख सकते हैं पूरा भगोनी साफ, और भगोनी का सारा मसाला और अचार जो है वो इस डिब्बे में बिल्कुल फुल आ गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो है मैंने इसका जार भी सुखा लिया था, सॉरी जार का ढक्कन सुखा लिया था, अब मैं जार टाइटली बिल्कुल पैक कर दूंगा और इसको चार पाँच दिन तक ऐसे ही बिल्कुल टाइटली पैक रहने दूंगा। बन गया मेरा आपका तकरीबन 1.5 किलो तक का अचार। इसको मैं यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ पे रहेगा ही, जब बारिश का मौसम है, पुनः है, बारिश हो रही है, धूप धूप निकलेगी तो ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 3-4-5 दिन में खाने लायक तो बढ़िया हो जाएगा। और मेरे घर में तो ये 4-5 दिन पहले अब ये बन गया है, तो ये यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, बनाइए, शेयर कीजिए, और हाँ ये मत भूलिए कि कुकिंग जो है वो बिल्कुल ही कोई परफेक्शन के साथ नहीं बनाता है, एक इम्परफेक्ट काम है। आप धीरे धीरे लर्न करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से क्या बनाना है आपको। एंजॉय कुकिंग।